अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैंने इसका छोटा सा जो है वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर किया था और मैंने आपसे पूछा था कि ये कौन सी रेसिपी है, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया और बताया कि ये मूँग दाल है, हरी मूँग दाल तड़का है। तो बता दूँ, ये दाल जो है वो दिख तो रही है मूँग दाल की जैसी, लेकिन ये मूंग दाल नहीं है बल्कि ये मठ, इसे मठ भी कहते हैं और मटकी भी कहते हैं। तो आज मैं आपको मटकी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, तो इसे देखते हैं बनाना कैसे है। मैंने यहाँ पर इस मठ को बॉईल कर लिया हल्दी और नमक डालकर। साथ ही यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, दो टमाटर, चार हरी मिर्चें ली हैं। सबसे पहले हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता और ज़ीरा। आधा चम्मच मैंने यहाँ ज़ीरा इस्तेमाल किया है और कुछ 6 से 7 करी लीव्स इस्तेमाल किए हैं। इसे भी हल्का सा बस कड़कड़ाना है हमें 4 से 5 सेकेंड। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें। अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप यहाँ पर थोड़ा सा अदरक भी क्रश करके डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे भी। और अब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और लो फ्लेम पर हम टमाटर को इतनी देर तक के लिए पका लेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। तो मैंने ढक्कन नहीं बंद किया था, इसे ऐसे ही चलाते हुए मैंने पकाया है। और ये देखिए, आप टमाटर देख ही सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मैश करने के बाद इसमें हम अपनी बॉईल की हुई दाल डालेंगे मटकी की, और अच्छी तरीके से इसे भी चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे। अब हम इसे जोश आने तक ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो मटकी की सब्ज़ी है इसमें जोश आ चुका है। और आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें पानी बहुत ही कम नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड ही नहीं किया। जो मैंने पानी उबालने में यूज़ किया था वही पानी है इसमें, आप एक्स्ट्रा वाटर ऐड ना करें। अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लिया। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है 2 से 3 टेबल स्पून। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 लाल मिर्च, कुछ करी पत्ते लेंगे, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर हींग का इस्तेमाल किया है। इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। तो तड़का तैयार हो गया है, अब हम सब्ज़ी पर इसका तड़का देते हैं। तो हमने ये तड़का दे दिया। आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिए और बनाने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी थी। अगर पसंद आती है रेसिपी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।